नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों, अब तक आप सभी को पता चल ही चुका होगा कि 3 दिसंबर 2019 को जैसलमेर में टाटा ने एक ग्रैंड इवेंट के जरिए अपनी मोस्ट अवेटेड प्रीमियम हैचबैक टाटा अल्ट्रोस को मीडिया के सामने अनवील कर दिया है। और इमीडिएटली 4 दिसंबर 2019 से टाटा ने इसकी ऑफिशियल बुकिंग शुरुआत कर दी है। केवल 21,000 रुपये भरकर आप इस गाड़ी को बुक कर सकते हैं। हालांकि टाटा ने इसकी प्राइसिंग ऑफिशियली अभी तक अनाउंस नहीं की है, लेकिन जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि टाटा अपनी गाड़ियों की प्राइसिंग को लेकर हमेशा हम सभी को एक सरप्राइजिंग शॉक ज़रूर देता आया है, जो हम ऑलरेडी नेक्सॉन और हैरियर के केस में देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम प्राइसिंग के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स पर बात करेंगे, जैसे कि गाड़ी के फीचर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, गाड़ी में आपको कौन से वेरिएंट्स मिलेंगे, गाड़ी के कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस क्या होंगे, वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से ये गाड़ी कॉम्पिटिशन में अपने आप को अलग से स्टैंड आउट खड़ी करती है, ये कॉम्पिटिशन कितना दे पाएगी, अपने लिए जगह बना पाएगी या नहीं, क्या ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित होगी या नहीं, इस गाड़ी के लॉन्च तक आपको रुकना चाहिए या नहीं, ये गाड़ी कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, और क्या ये गाड़ी i20 और मारुति बलेनो जैसी सेट हो चुकी मार्केट लीडर्स को पीछे छोड़ पाएगी या नहीं। अगर आपके जहन में भी ऐसे सारे सवाल हैं तो जानेंगे उन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। टाटा ने फिर से एक बार अपनी डिज़ाइन फिलोसॉफी को प्रूव किया है। देखते ही आपको पता चल जाएगा दैट टाटा अल्ट्रोस कम्स विद अमेजिंग शार्प लेजर कार्विंग डिज़ाइन एंड शार्पनेस। गाड़ी के भीतर एक बेहतरीन इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा। टाटा अल्ट्रोस आपको 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ में फिलहाल सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में अवेलेबल होगी। साथ ही आपको मिलता है एक 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम ट्यून्ड बाय हर्मन विद 6 स्पीकर्स। कंज्यूमर की कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए टाटा ने इस गाड़ी में रियर एसी वेंट्स को भी दिया है और रियर का जो फ्लोर है उसे आप कंप्लीटली फ्लैट देख पाएंगे। सेफ्टी के तौर पर आपको इसमें ड्यूल एयरबैग, ABS, EBD जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिलेंगे अक्रॉस ऑल द वेरियंट्स। आगे मुड़ते हैं और एक नज़र कलर्स पर भी डाल लेते हैं। अल्ट्रोस में आपको 5 कलर्स मिलेंगे। Now let's move on to the specifications. It comes with 1.2 liter petrol engine which will give you 86 PS power and 113 Nm torque. वहीं पर 1.5 liter diesel turbocharge engine आपको 90 PS की power देगा और maximum 200 Nm का torque देगा। दोनों engines आपको BS6 ready मिलेंगे। जहां तक transmission का सवाल है, ये गाड़ी फिलहाल सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में आएगी। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि इन फ्यूचर ये गाड़ी आपको ऑटोमेटिक के ऑप्शन में भी मिलेगी। अल्ट्रोस में आपको मिलेंगे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स,
16 inches laser cut alloy dual tone wheels, piano black ORVMs with chrome insert, C-pillar mounted rear door handles, integrated rear spoiler, LED DRLs, signature split tail lamp with sharp laser cut. आपको इसमें ड्यूअल टोन रूफ का भी ऑप्शन मिलेगा। मेरे मायने में टाटा ने मुझे यहाँ थोड़ा सा नाराज किया है। गाड़ी में टॉप मॉडल में कम से कम 4 या 6 एयरबैग्स होने चाहिए थे, हालांकि यहाँ पर सिर्फ 2 एयरबैग्स ही मिलते हैं। ये गाड़ी अल्फा प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है और इस गाड़ी के बिल्ड क्वालिटी से नेक्सॉन जैसी ही उम्मीद की जा रही है। अल्ट्रोज में आपको ABS EBD के साथ साथ कॉर्नर स्टेबिलिटी का ऑप्शन भी मिलेगा। इसके अलावा अल्ट्रोज में हमें कई सारे वॉइस अलर्ट्स की भी सुविधा देखने को मिलेगी, साथ ही आपको हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स भी मिलेंगे। थ्री टोन फ्लोटिंग आइलैंड डैशबोर्ड आपको मिलेगा, जो कि एक बेहद ही खूबसूरत एहसास आपको दिलाता है। वहीं पर एनालॉग एंड डिजिटल MID इसे और भी आसान बनाता है, क्योंकि सारे MID के कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग व्हील पर मिलेंगे, अलॉन्ग विद टर्न बाय टर्न नेविगेशंस। लेदर अप स्टीयरिंग व्हील आपको एक परफेक्ट ग्रिप और कमांडिंग पोजिशन देगी, वहीं पर लेदर गियर नॉब आपको एक प्रीमियम फील करवाएगा। टाटा अल्ट्रोज कम्स विद अ मल्टी ड्राइव मोड्स, स्विच टू इको और सिटी मोड एज पर योर मूड, जो कि ड्राइवर के लिए एक और बेहतरीन कन्वीनियंट और कंफर्टेबल ऑप्शन होगा। इट ऑल्सो गॉट आइडल स्टॉप एंड स्टार्ट ऑप्शन लाइक मारुति जैसे इसे कॉल करती है या बुलाती है स्मार्ट हाइब्रिड, और महिंद्रा इसे माइक्रो हाइब्रिड के तौर पर नाम देती है। उसी तरीके से आइडल स्टॉप एंड स्टार्ट का ऑप्शन टाटा ने अपनी अल्ट्रोज में इंक्लूड किया है। म्यूजिक सिस्टम बाय हर्मन कम्स विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले फीचर्स विद 6 स्पीकर्स। अल्ट्रोज में एक और बेहतरीन खूबी है जो आपको गाड़ी के अंदर आपका आना और जाना दोनों को बेहद ही आसान बनाएगा, वो है 90° वाइड एंगल ओपन ऑल 4 डोर्स। इट ऑल्सो हैज़ रेन सेसिंग वाइपर्स एंड क्रूज कंट्रोल इन इट विद द स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल। 15 liter कूल्ड ग्लव बॉक्स इज अ डिसेंट इनफ फॉर योर बेसिक नीड्स। अल्ट्रोज के साथ में अब आपको रिस्ट बैंड की का भी ऑप्शन मिलता है, जो आप आसानी से एक हाथ पर पहन सकते हैं। एंड अल्ट्रोज गॉट अ पुश स्टार्ट स्टॉप बटन एज वेल, विच मेक्स योर लाइफ मोर इजियर। फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट ड्राइवर को थोड़ा कंफर्ट ज़रूर देगा, लेकिन इसके भीतर स्पेस की काफ़ी कमी है, ये बहुत ही छोटा लगता है। और फ्रंट के दोनों डोर में आपको अम्ब्रेला होल्डर्स भी मिल जाएंगे, जो लाइफ को थोड़ा और आसान बनाएंगे। अब एक नज़र गाड़ी के टॉप 3 वेरियंट्स पर डालते हैं, उसके बाद में मैं आपको कुछ ऐसे फीचर्स बताऊंगा जिनकी वजह से ये गाड़ी क्राउड में स्टैंड आउट करती है और इसे हमें क्यों लेना चाहिए, इसके लिए इंतज़ार करना चाहिए या नहीं, उन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। वो सारे रीजंस जिनकी वजह से आपको इस गाड़ी का इंतज़ार करना चाहिए और ये गाड़ी मार्केट में अपने लिए एक बेहतरीन जगह ज़रूर बन पाएगी, जिसकी वजह है हार्मन का 7 inches इंफोटेनमेंट सिस्टम बाय ट्यून अकोस्टिक ट्यून बाय हार्मन विद 6 स्पीकर्स। आइडल स्टॉप एंड स्टार्ट का ऑप्शन इस गाड़ी में होना ये भी एक बेहतरीन वजह है कि आप इस गाड़ी को ख़रीद सकते हैं। 17.78 सेंटीमीटर डिजिटल TFT डिस्प्ले विद इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड ऑल कंट्रोल्स ऑन द स्टीयरिंग माउंटेड। इस गाड़ी में आपको मल्टी ड्राइव मोड्स भी मिलेंगे, जिसमें आपको इको और सिटी मोड का ऑप्शन अवेलेबल है। फ्लोटिंग आइलैंड डैशटॉप विच गिव्स यू अमेजिंग लेआउट थ्रू आउट द डैशबोर्ड विद 3 डिफरेंट टोन कलर्स। स्टीयरिंग व्हील कम्स विद द कंट्रोल्स फॉर वॉइस कमांड्स, कॉल पिकअप, म्यूजिक एज वेल एज क्रूज कंट्रोल। एम्बियंट लाइटिंग एंड फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, जो आपका गाड़ी में आना और गाड़ी से उतरना एक ड्राइवर के लिए बहुत ही आसान बनाएगा। पैसिव एंट्री थ्रू रिस्ट बैंड वेरिएबल की, ये भी एक बेहतर ऑप्शन टाटा ने यहाँ पर इंक्लूड किया है अल्ट्रोज में। कस्टमाइजेशन के ऑप्शन आपको सभी वेरिएंट्स में मिलेंगे, वो सारे फैक्ट्री फिटेड आएंगे, ना कि डीलरशिप से आपको मिलेंगे, जिसकी वजह से उनकी क्वालिटी, फिट एंड फिनिश की गारंटी दी जा सकती है और एक बेहतरीन प्रोडक्ट आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से, आपके रिक्वायर्ड फीचर के हिसाब से मिल सकता है। बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी इस गाड़ी से एक्सपेक्ट की जा रही है, जैसे नेक्सॉन से एक्सपेक्ट की थी, और इट बिकेम अ इंडियाज़ फर्स्ट 5-star रेटेड कार।
सेम बिल्ड क्वालिटी इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अल्ट्रोज। और सबसे आखिरी और इम्पॉर्टेंट फीचर्स, जैसे मार्केट में अभी ट्रेंड चल रहा है उसी तरीके से टाटा ने भी इस गाड़ी को थोड़ा अलग तरीके से कनेक्टेड फीचर्स कार बनाने की कोशिश की है। दे हैव टाइड अप विद गूगल एंड वर्कड आउट अ गूगल वॉइस पावर्ड AI बॉट, जिसमें आपको यानी कि कंज्यूमर को गूगल असिस्टेंट से कई सारे फीचर्स और कई सारे ऑप्शंस आप स्ट्रेट अवे अल्ट्रोज से बात करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको अल्ट्रोज की टेस्ट ड्राइव बुक करनी हो तो भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको आर्ट्स, म्यूजिक, रीडिंग, स्पोर्ट्स, एडवेंचर, ट्रैवल जैसी कई सारी जानकारी इमीडिएटली अवेलेबल हो जाएगी। आप अल्ट्रोज से सीधे सीधे बात कर सकते हैं थ्रू गूगल वॉइस असिस्टेंट्स। गाड़ी के फीचर्स के बारे में आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो वो भी जानकारी आपको यहाँ से आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ तक कि गाड़ी के कलर्स, कितने ऑप्शंस हैं कलर्स में, ये भी सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। ये वो स्टैंड आउट फीचर्स हैं जो आपको कॉम्पिटिशन ऑफर नहीं करता है, जिनकी वजह से ये गाड़ी क्राउड में अलग से खड़ी नज़र आती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप अपने हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन का दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।